नमस्ते सो आई एल स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी चलेगा दैट वे सो हाउ डिड दिस स्टॉक बिगिन दिस आइडिया नॉट दिस वन अ वर्ल्ड विदाउट हीरोज एंड विक्टिम्स तो कैसे शुरुआत हुआ तो आई हैव been कंसल्टिंग Star टी वी फॉर फाइव ईयर पाँच साल से मैं स्टार टी वी को कंसल्ट करता हूँ और मेरा काम है राइटर्स के साथ बैठना और उनको हेल्प करना टू टर्न हमारे जो महाकाव्य हैं जैसे रामायण और महाभारत उनको टेली सीरियल में बनाना मतलब सोपीफाई करना सो so, ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है मुश्किल इसलिए है क्योंकि अभी लास्ट पाँच साल में मैं पचास से सौ राइटर के साथ वर्कशॉप्स किया हूँ सबको रामायण और महाभारत समझाता हूं और एक चीज दिखाई देती है कि कोई समझना नहीं चाहता जो कमरे के अंदर आता है उसके मन में क्लियर विजन है कि उसको क्या बोलना है तो वो सीखना नहीं चाहता वो केवल व्यक्त करना चाहता है सो ही ऑलरेडी नोज रामायण ये है वो डिसाइड कर लिया है So he is not interested in exploring his idea and expanding his understanding. He is uh, interested in. That's my sister. So, um, the thing is. वट हैपन्स वेन यू कम विदिक्स विजन की कहानी ऐसे ही है तो फिर वर्कशॉप का कोई मायने नहीं रखता दर इज नो मीनिंग फॉर अ वर्कशॉप इज जस्ट टाइम पास बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू अंडर विद इट एंड सीन दिस कंसिस्टेंटली फाइव इन फिफ्टी फिफ्टी हंड्रेड राइटर्स कुछ तो या तो उधर प्रॉब्लम है या इधर प्रॉब्लम है बट कहीं पर भी आप देखते हो कि रिपीटेडली कहानी का एक ही स्ट्रक्चर होता है और एवरीबडी वॉन्ट्स टू फिट द स्टोरी इन टू अ टेम्पलेट और टेम्पलेट क्या है हीरो कौन है विलन कौन है विक्टिम कौन है सो दैट इज रिजिड यू आर स्टक विद दिस कि कहानी बोलते हुए भी यू हैव टू डिसाइड कि नायक कौन खलनायक कौन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो स्टोरी नहीं बनेगा तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड And they are coming, they are entering the story with this assumption, which this template. And that becomes a problem. So, what happens when you study? Many of young people are writing these novels on Rama and Mahabharata. And when you step back, you realize that what you are dealing with, uh, we really need to stop. Yeah, yeah. Yeah, sorry, sorry about that. I'm, because it's extra. Yeah. <laughs> so, um, what happens is, uh, see, I'm just trying to now figure out where I was. So <laughs> I'm sorry about this. That's. Uh, um, so when you come with a rigid template, now what happens? Now you have got a hero. You have decided who your hero is. You have decided who your villain. So when writers are writing a book, for example.

तो रामायण में एक्चुअली रावण इज अ गुड गाय एक्चुअली हनुमान इज द हीरो एक्चुअली दुर्योधन इज द हीरो एक्चुअली गांधारी इज द हीरो तो सब अपना राजनीति अपना पॉलिटिक्स उसमें व्यक्त करना चाहते हैं और वकील के जैसे व्यवहार कर रहे हैं दे बिहेविंग लाइक लॉयर्स एंड दिस इज समथिंग दैट इज कंसिस्टेंट यू कीप फाइंडिंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन की वकील का हैट पहना हुआ है एंड सो माई फर्स्ट लेसन इज द मोमेंट आई सी सम कॉल दम आउट प्रीवियसली मैं बहुत पोलाइट हुआ था बोलता नहीं था उनको तो मैं बोलता था, अभी मैं बोल रहा हूं कि वकील क्यों बन रहे हो कहानी लिख रहे हो या वकील बन रहे हो प्लीज डिसाइड तुम अपने दिमाग के न्याय को एस्टैब्लिश करना चाहते हो बिकॉज यू हैव डिसाइडेड अनजस्टिस हैज बिन डन सो इफेक्टिवली द स्टोरी टेलर इज राइटिंग द स्टोरी फॉर हिमसेल्फ बिकॉज किसी और को न्याय देने में मेरा बड़प्पन दिखता है सो सडनली रियलाइज स्टोरी टेलिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जहां पे ऑडियंस इज इंपॉर्टेंट बट द स्टोरी टेलर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप वकील बने हो या या न्यायाधीश बन रहे हो डिसाइडेड कि इसके अगेंस्ट अन्याय हुआ है मैं कहानी में एंड सी कहानी इज अ वेरी पावरफुल स्टोरी इज फुली इन योर कंट्रोल राइट आपका पास कलम है तो कलम में आप डिसाइड कर सकते हो कि हीरो कौन है विलन कौन है तो इस कलम के माध्यम से मैं पुरातन अन्याय को ठीक कर दूंगा Some ancient injustice will be rectified by my book. And effectively, they are dealing with their own issues. isliye jab unko dekh उन कहानियों से लेखक का प्रतिबिंब दिखता है। You suddenly understand who the writer is. उसके लाइफ के बारे में पता चलता है, उसका आईना बन जाता है, इसे मिरर। So when I am reading Ramayana and Mahabharat, when I see Ramayana and Mahabharat written by

विदाउट रियलाइजिंग इट उसकी आवाज में हीरो इज डिसाइडेड विलन इज डिसाइडेड विक्टिम इज डिसाइडेड एंड देर आर स्टैंडर्ड थिंग्स मोमेंट यू स्टार्ट क्रिएटिंग दिस नेटिव कहानी एक दृष्टिकोण से ही जा सकता है द मोमेंट आई से वो तो बेचारा है विक्टिम हो गया ना वो बेचारा है अगर मैं कहानी एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स बिकॉज आपने कैसे डिसाइड कर लिया वो बेचारा है डू यू हैव एक्सेस टू सम नॉलेज दैट नो बडी एल्स हैज और यू हैव डिसाइडेड कि नो आई वॉन्ट टू डू इट लाइक अ डिबेटिंग सोसाइटी सो नाउ यू गो टू एनी बुक शॉप एंड यू सी द रामायण बुक्स द महाभारत बुक्स एंड जस्ट वेयर हैट कि लेखक लिख रहा है या वकालत कर रहा है And instantly, for me, that's not good literature. It's a kind of literature, but it is not the Ramayana anymore. It's not the Mahabharata anymore. It is not Buddha Charita. The Agamas, the Indian story. Many of the Indian story tellings don't follow this pattern. But we have been conditioned that no, no, story. And Hollywood, like for example, how many saw Avengers? <laughs>

मुझे कोई तो जीतना चाहिए कोई तो हारना चाहिए सो एवरीथिंग स्टार्ट्स बिकमिंग अ वॉ एक युद्ध सो एवरी टाइम आई विल गो टू दुर्गा पंडाल एंड आई विल सी दुर्गा होल्डिंग द त्रिशूल आई विल हियर ऑन द टेलीविजन सच्चाई की जीत एंड आई लाइक दुर्गा सच्चाई वेर इन द स्टोरी देर इज नो सच्चाई झूठ नथिंग एंड पुअर बफेलो वो कब से झूठ बोलने लगा बेचारा यू नो यू आर सम टोटली डिफरेंट इमेज बट नाउ यू हैव टू डील विद द फैक्ट दैट इट अ वायलेंट इमेज राइट देयर इज द गॉड इज होल्डिंग द बफेलो एंड कटिंग इज हेड एंड द चाइल्ड इज आस्किंग मम्मी वो आंटी क्यों मार रही है बफेलो को हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस इज मेटाफिजिकल एंड मेटाफोरिकल रूपक है बच्चा को समझ में नहीं आएगा सिंपल है वो भैंस गंदा आदमी था उसको आंटी ने मार डाला फिर उसके बाद बच्चा प्रश्न पूछता नहीं है और ज्यादा प्रश्न पूछेगा तो उसको वो आइसक्रीम स्टॉल पे ले जाओ बिकॉज वी वॉन्ट सिंपल आंसर दैट सेल्स इट सेल्स टी आर पी रेटिंग वहीं से आती है तो हमको बेचना है सो वेन सो स्टोरी टेलिंग एग्जिस्ट इन एन इकोनॉमिक इकोसिस्टम मुझे कहानी बेचना है या तो पैसे कमाना है या तो फेमस होना है कि ये हार्ट हीट द हार्ट ऑफ द पीपल सो इट बी ट्रेजिक बिकॉज ट्रेजिडी इज रियलिटी सो वी हैव डिसाइडेड ऑल दीज आर ऑल वेरियस टेक्निक्स हर टेक्निक होगा अलग अलग टेक्निक होता है बट राइटर्स मेनिटाइम्स डोट अंडरस्टैंड दर डूइंग इट आई हैव सीन पीपल फाइटिंग सो कर्ण का कैरेक्टर एंड आई एम लाइक लुकिंग इट दम लाइक महाभारत में नन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज देयर यू आर इमेजिनिंग दिस थिंग्स Because they have read six other novels, not realizing they were novels. What is Karna's wife's name? All comes from novels. <laughs> <laughs> Certainly not in the oldest texts that we have got. So somebody has come up with it, which is fine, but we should be aware. नहीं उसकी पत्नी ऐसे थी इट्स लाइक माई फेमस थिंग आई रिमेंबर वन ऑफ दिस लिटिल किड्स आई वॉज शोइंग दम चित्रकाठी पेंटिंग्स एंड ऑफ रामायण रामायण तो ही से ये ये राम नहीं है क्यों मुच्छी नहीं है ये है, नहीं है। <laughs> वो टीवी में अरुण गोविल डेंट हैव मुच्छी नो सो फॉर हिम राम इज अरुण गोविल एंड वॉट आई एम सींग इज दिस टेम्पलेट दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड Of hero, villain, and victim is a very easy and powerful template, but it is a template. That means it doesn't necessarily exist. You have created it. And why have you created it? You create it to feel powerful. Yeah? So now let's try to see an alternate model. Is it possible? So, now look at your own lives. It's important for you to look at your own life. Can you imagine your life story without being a hero, villain, or victim? So, yeah, it's just yeah, sorry. <laughs> When you have these models, you have to ask yourself: Can I imagine my life? And you, uh, you know, if you talk to a psychotherapist, when you go, to, you talk to people. How do you imagine yourself, your life story? <laughs> and that's an, that's this answer that it comforts us. It's a very comforting answer, right? It's like now imagine a situation, you're standing on the road and a pigeon shits on your new dress. <laughs> Happens, right? And this brand new dress you have bought for a very fabulous amount and you're going to Swanam Kapoor's wedding. <laughs> and at that moment, who is the villain? <laughs> बिकॉज वी वॉन्ट एक्सप्लेनेशन वी वॉन्ट एक्सप्लेनेशन फॉर लाइफ जीवन को एक अर्थ देना है कहानियों के माध्यम से हम जीवन को अर्थ देते हैं और जब हम नायक खलनायक को क्रिएट करते हैं तो फिर जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है द ट्रेजिडी इज आ हिस्ट्री टेक्सट बुक्स आर रिटर्न दैट वे एंड यू सी इट अक्रॉस द बोर्ड

But we have decided how he is. He has become a political figure. People go to battles over him. If you come later in times, you get more information, and you can actually see politicians turning them this way and that way. I mean, I, today, if, uh, if anybody has read my Mumbai Mirror article, I have written on Adi Shankaracharya. Yeah. So most of us know Adi Shankaracharya from Amar Chitra Katha. <laughs> right? And then you learn that the. ज ओल्डेस्ट स्टोरी उसको बोलते हैं कि आठवीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था लेकिन इंफॉर्मेशन आता है चौदहवीं शताब्दी से सो so 600 साल बाद पहले बार उनके बारे में किसी ने लिखा है उसके पहले कोई नहीं लिखा है 600 साल एंड वी सेट एंड ऑफकोर्स इफ यू गोड किलमी आई अग्री विथ यू विच इज द न्यू फॉर्म ऑफ एकेडीमिया

कोई चाइना का नागरिक है तो वो बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको हिस्ट्री इतिहास का किताब दिखाई जाएगा कि तुम्हारा देश कितना महान है तो एक एजेंडा आ गया तो हिस्टोरियन भी वकील बनता है वो आदमी को नहीं देखता वो नायक को देखता है एंड दैट इज आ प्रॉब्लम आप आदमी को जब नहीं देखते और नायक को देखते वेन यू इंस्ट लुकिंग एट ए ह्यूमन बींग यू स्टार्ट लुकिंग एट ए हीरोलैप्स एंड द क्वेश्चन इज इज देर एन ऑल्टरनेट वे ऑफ सींग दैट इज द क्वेश्चन आई नाउ बिगिन विद इंडियन मॉडल जिससे हम सनातन में बोलता हूँ अनफॉर्चुनेटली इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस कॉन्टेशन सनातन मीन्स टाइमलेस एंड आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट एक्सॉटिक इट जस्ट मींस साइकोलॉजिकल बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी हैज नॉट चेंज्ड ओवर टेन थाउजेंड ईर्स तो मन की बात जिसको कहते हैं सॉरी नो नो आई कॉड से जो

In fact, the best way to understand is to read Chinese literature and Chinese philosophy. Chinese literature and Chinese philosophy does not like the mind. They see it is annoying. I'll give you an example. So, if you see Chinese, what is considered to be civilized Chinese? Don't show expressions. तो कैसे पता चलेगा ये पढ़े लिखे घर का लड़का है चाइना में जितना भी दुख होगा वो उसके चेहरे में कुछ दिखाई नहीं देगा

This is civilized. I am civilized. I am not showing you an expression. That is your training. So, you see, kabuki dance, Japanese dance, when you see that, it's all about not showing expression. It's like the Chinese wall. It's the, now the Chinese firewall. So, it's always this restraint. Indians are a culture of abhinai. वॉट कैन बी शोन शुड बी एग्जेजरेटेड सो यू हैव टू टॉक माँ बोलते थे ट्रेम्बलिंग वॉइस आना चाहिए समझ में नहीं आता है हमको सो दिस इज अंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ऑब्सेस्ट वी आर विद इमोशन एंड द मेंटल वर्ल्ड सो सिविलाइजेशन वैल्यू डिफरेंट थिंग्स इंडियन सिविलाइजेशन वैल्यूड द माइंड ओवर एवरीथिंग एल्स everything else i mean everything is secondary to the mind man 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 ko kaabhi mein rakho we will use different words chitta we have many words for the mind chitta aham atma all these are about psychological states aham atma klesha yoga all these words are revolves around heart you will not find so many words because we are obsessed with the mind वेन यू रीड ग्रीक मेथोलॉजी यू विल ऑलवेज सी एन ऑब्सेशन विचीवमेंट कुछ अचीव कुछ करना है कुछ तो करना है लाइफ में आई हि ग्रीकान से आया है ट्रेडिशनल इंडियन मॉडल इट आर नॉट द क्वेश्चन इज द मोमेंट आई गिव यू टू मॉडल दो तीन तरीका चाइनीज दिखाया आपका मन क्या कहेगा कौन सा अच्छा है इट इज नेचुरल राइट मैंने दो अगर आपको दिया कि ये आइसक्रीम वेनिला का है या स्ट्रॉबेरी का है फर्स्ट थिंग इज विच इज बेटर रिमेंबर कीटो डाइट विल से दोनों पाप है ओनली सी स्ट्रॉबेरी यू आर द स्ट्रॉबेरी सो इंडियंस वर ऑब्सेस्ड विथ एट लुकिंग एट द स्टोरी डिफरेंटली सो वॉट आई वॉन्ट टू शो इज हाउ स्टोरीज आर लुकिंग डिफरेंट द ग्रीक स्टोरीज आर ऑलवेज अबाउट अचीवमेंट कुछ करना है तो अगर कुछ करना है तो फिर विनर होता है लूजर अगर कर लिया तो आप बन गए हीरो विनर कर नहीं पाए तो आप बन गए लूजर तो ट्रेजेडी सो द होल स्टोरी इज इप्ट रनिंग 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 एंड ई गॉट इट एंड द सॉन्ग यू कैन सी द म्यूजिकल स्कोर इन द फिल्म राइट तो म्यूजिक चल रहा है वो दौड़ रहा है

If she doesn't meet him, अगर उसे मिला नहीं उसको बेटर बॉयफ्रेंड मिलेगा पिक्चर so तो तीन घंटे की होती है उसके बाद क्या होता है कहानी के बाद एक दूसरी कहानी आती कहानी कभी खत्म नहीं होती ना द डे यू यू स्टडी इट हार्ड फॉर द गेटिंग द फर्स्ट रैंक इन क्लास फर्स्ट रैंक मिल गया उस दिन कहानी तो खत्म नहीं हुई ना उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम उसके बाद और एक एग्जाम और जिंदगी भर एग्जाम के ऊपर एग्जाम अप्रेजल के ऊपर अप्रेजल खत्म ही नहीं होती इलेक्शन के बाद इलेक्शन आज मुझे लगा कि मैं राजा हूं अभी भी जा रहा हूं भीख मांगने <laughs> तो रिपीटेडली रिपीटेडली खत्म नहीं होगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड नाउ यू रियलाइज दैट इट इज नेवर एंडिंग वो जो बताया था ग्रीक बिकॉज द ग्रीक्स बिलीव यू लिव ओनली वंस जिंदगी केवल एक बार होती है देर इज अ फुल स्टॉप सो इन दिस लाइफ यू हैव टू अचीव इट बट इफ आई बिलीव देर आर देर आर मेनी लाइफ देर इज नो एंड पॉइंट तो वेन डज इट एंड स्टोरी खत्म कब होती है तो नॉवल रामायण की खत्म नहीं होती है रामायण रामायण डज एंड विथ रामायण रामायण प्रोसीड्स टू महाभारत बट दैट इज नॉट द वे द स्टोरी टेलर्स आर लिस्निंग उनको सर क्लाइमैक्स चाहिए क्लाइमैक्स में इधर सक्सेस चाहिए या विक्ट्री चाहिए या डिफीट चाहिए हमको एंडिंग चाहिए बिकॉज कहानी में एंडिंग होना चाहिए सर लेकिन अगर मैं कहूं कहानी का एंडिंग नहीं है तो कैसे कहानी लिखोगे नाउ यू लुक एट द्ट्स एप फॉरवर्ड वेर देर टर्निंग पीपल इन टू विल अच्छा तो करोगे क्या

Keep only valuable plants. Valuable to whom? And we don't think, right? Because if you look at all the plants, how many plants are fruit bearing? Any botany student here? Out of the many, many, many species of plants, how many of them will bear a fruit that you and I can use? मेनी मेनी प्लांट्स इन द फॉरेस्ट डोंट बेयर ऑफ एनी वैल्यू टू अस बट फॉर अस दे आर यूसलेस वी हैव डिसाइडेड दैट ये इस पौधे का कोई काम नहीं है एंड वेन एवर आई हेयर अमेरिकन और दीज मैनेजमेंट वर्कशॉप वट वैल्यू यू ब्रिंग टू द टेबल आई एम हेयरिंग दिस की तुम वैल्यू नहीं लेके आते हो तो तुम्हारा मूल्य क्या निकल जाओ हुईड कि तुम्हारा मूल्य क्या है So, stories are designed in this way. We are continuously seeing stories being designed in this way. We are creating villains in order and we are structuring these stories in a different So, can we see a different model? Right? So, let me take you on a quick journey of an Indian model. I'll go very fast, and these are simple, quick understanding. Bora detail me jayanges

हिंसा ठीक नहीं है तो शेर ने कहा ठीक है नहीं खाता हूं हिरन को अब खाऊंगा क्या वट विल आई ईट हिंसा नहीं करना है चलो खाना दो शेर को क्या खाना दोगे हिंसा इज बैड नो तो शेर को खाना दो तो राजा भी बैठा है क्या खाएगा हिरन नहीं खाऊंगा तो किसे खाऊंगा एंड वॉट हैपन्स आई गिव एन एग्जाम्पल इन इन द इफ यू गूगल इट इट्स अबाउट दिस येलो स्टोन नेशनल पार्क इट्स वेरी फेमस केस स्टडी वेन वुल्वस व इंट्रोड्यूस्ड प्लांट्स ग्रीव क्योंकि हमने कभी ये नहीं सोचा कि जब हिरन घास को खा रही है वो भी हिंसा है क्योंकि घास में भी प्राण है एंड दे फोर दिस इज अचुरल रेगुलेटिंग सिस्टम कि ज्यादा हिरण नहीं होने चाहिए तो शेर को बनाया गया है बट वी हैव डिसाइडेड सो इफ आई आस्क यू एंड दिस विक्रमादित्य क्वेश्चन हिरन को बचाओगे या शेर को बचाओगे किस को बचाओगे ग्रास को बचाओगे हाउ हू विल यू सेव हाउ इस आंसर राइट नोबल आंसर्स बिकॉज कंडीशन नाउ यू बिकम द हीरो राइट हो गया ना हीरो मैं बन गया विलन बिकॉज मैंने क्वेश्चन पूछा लाइक ऑल टीचर्स सो कंस्ट्रक्शन इज रैपिड हो जाता है बिकॉज द फैक्ट इज यू हैव टू लिव विद दईडिया की हिरन मरने वाली है या शेर भूका मरेगा लेकिन कोई ना कोई तो मरेगा सो नाउ यू हैव गोट द डियर देन यू है प्रॉब्लम कि धीरन के बच्चे मम्मी के लिए रुके हुए हैं और शेर के बच्चे शेर के लिए रुके हुए हैं कि मम्मी विल गेट सम मीट एंड कम होम फ्रेश डियर मीट बट देर नॉट गोट गेट इट बिकॉज यू नो वी ऑल बिलीव इन नॉन वायलेंस वो बच्चे मर जाएंगे भूखे उसका पाप किसके ऊपर इसे कहते हैं धर्म संकट एंड दिस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन स्टोरी टेलिंग दिस इज धर्म संकट धर्म संकट इज यू हैव टू टेक अ कॉल नहीं तो राजा मत बनो फिर राज विक्रमादित्य राइट right? राजा मत बनो यू कान टेक अ डिसीशन इट डजेंट मी नाव हाउ डू यू डील विद इट अच्छा अच्छा मार डालो बिकॉज यू नो एक्चुअली द डियर वॉज एन ईवल पर्सन किसको शांत बना दे रहे हो अपने आप को द फैक्ट इज यू टूक डिसीशन की द डियर हैजू डाय बट नाउ यू टू डील विदर्म संकट तो उसको तुमने विलन बना दिया टाइगर को विक्टिम बना दिया अपने आप को हीरो बना दिया and that keeps coming again and again I've just written the book on krishna It'll come in two months kansa how do you make him a villain che bachchon ko patak patak ke mara abhi itna isse villain baby killer बच नहीं सकते हो इससे अगर मैं बता दूं कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ उसकी मां का बलात्कार हुआ था और माँ ने बच्चे को जन्म देके शी ट्राई टू किल द चाइल्ड. शी यूज अबोर्टिफिक बट द चाइल्ड वुड नॉट लीव हर सो डिसगस्टेड. शी गिव बर्थ टू हिम एंड कमिटेड विद अ कर्स कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी कि यादव तेरा जन्म विल किल यू तुम्हारा मृत्यु यादव के हाथ होगा नाउ लुक एट दिस बॉय हु इज ग्रोइंग अपट यूर अ चाइल्ड ऑफ रेप एंड योर मदर हिटेड यू द मोमेंट यू वर बॉन्ड शी कर्स यू एंड वेंट अवे अभी लिखो कहानी अभी कंस को बताओ बट ये स्टोरी जब मैं किसी का बैक स्टोरी बताता हूं नाउ यू आर सेट ओके बट डज इट मीन यूर अलाउ टू किल बेबीज एंड दैट्स द क्वेश्चन यू सी द स्टोरी यू सी एपिसोड वन देन यू सी एपिसोड टू रिलेशनशिप बिटवीन एपिसोड वन एंड एपिसोड टू एपिसोड वन में उसका जन्म हुआ मां ने उसको त्यागा एपिसोड टू में उसने अपने बहन के बच्चों को मारा अभी इसके दोनों में एक में वो विक्टिम है दूसरे में वो विलन है अभी बनाओ कहानी हाउ विल यू शो कंस एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर माई राइटर ही सर बहुत कॉम्प्लीकेटेड है क्लियर बनाओ ना बड़े बड़े मूच दे दो हा हा हंसेगा ऐसे उसको मोल दे दो बैड ब्रेथ दे दो बिकॉज अगली पीपल राइट ब्यूटिफुल पीपल कांट भी सो वी स्टार्ट डिजाइनिंग विल डिजाइनिंग ऑफ विलन बिकॉज वी वॉन्ट टू हेट दैम तो कंस का मैं का, कंस की कहानी नहीं बताना चाहूंगा राइटर्स द नो सर वी डोंट वांट दिस कंस वी डोंट वांट टू डील विथ हिम आई रिसेंटली वेंट टू एन इंटरनेशनल नॉट इंटरनेशनल लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड सडनलीफ कृष्णा टॉक टू अर्जुन फेमस न पार्थसारथी और दिस इज कृष्णा पोजिशन ऐसा कृष्णा स्टैंडिंग लाइक दिस <laughs> This is not, मैंने तो, भगवत गीता तो कुछ लिखा नहीं है ये सब बट नहीं वो बेसिकली पीपल्स ऑफ नहीं नहीं वो कृष्णा ने उनको मोटिवेट किया उसके बाद युद्ध जीत गए अच्छा आपने ठीक से महाभारत नहीं पढ़ी है ना But you have been conditioned to believe that Arjun is the hero and therefore you want to see good things about him. You are not able to see the man is saying, Listen, I can't kill them, they are my relatives. Now, is it good to kill your relatives or bad to kill your relatives? <laughs> Depends. No? <laughs> Situation. Now, where the lawyer's hat?

These words are used very. Nowadays you find them in books and books and books. Heroic death, martyrdom, all are and everybody is saying that's real, that's real, that's real. And I'm saying हिरण कौन, शेर कौन, हिरण कौन, शेर कौन, कंस, कंस मामा, उसकी बचपन क्या है, उसकी बचपन क्या गुजरी है? Does it matter? Backstories are important or not important?

नहीं बेटा मैं सती हूँ मैं अपना ब्लाइंडफोल्ड नहीं निकाल सकती मेरे उसूल आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर ड्रॉइंग व्हाट हैपेंस टू द चाइल्ड एंड देन यू नो विच फिल्म दिस कम्स फ्रॉम हैव सीन द फिल्म फॉर शक्ति दैट्स वेर दे शोड दिस वॉट इट मीन्स टू बी ट्रामेटाइज एंड रिजेक्टेड बाय द पीपल यू थिंक केयर फॉर यू And so, if you start wearing the Vakil's hat, every character will become nice because you victim a victim. And we live in a world of victimhood. And one thing which I notice, I always tell people when I read the Jain traditions, Buddhist traditions, and Hindu traditions, three traditions emerged in this country, there is no concept of Kayamat or Judgment Day. God is not a judge. न्यायाधीश का काम ही नहीं है कोई सीन नहीं है जहां भगवान बोलते हैं अच्छा टेलो रिपोर्ट कार्ड इट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ यू सी द वर्ल्ड सो स्टोरी टेलिंग इज डिफरेंट यू आर नॉट मेजर्ड एट द एंड ऑफ योर लाइफ सो देन हाउ डू यू लिव योर लाइफ देर इज नो विलन देर इज नो हीरो पीपल देर इज अर आर हंग्री पीपल And they're hungry, and there is the tiger and there is the, the deer. There's a tiger and the deer. And who is the tiger and who is the deer? That is the question that is happening. Jivo Jivatsya Jivanam. The living feed on the living. And this brings us to the conversation. If everybody is hungry, if I start looking at everybody as a victim, then how do I run? How do I manage this? Then why do we have rules, regulations, systems, processes? Why? And that is how the story is told. So the Indian storytelling will always begin. You know, the, have you heard this very famous line called Vasudeva Kutumbakam? Now everybody makes it. Everybody is a family. In every family only there are fights. No. So it is not a happy family. It is not a good sentence. It is the most frightening sentence. It is. We are all world is a family, but your brother has taken away all your property. That is the meaning, that is why Vasudeva Kutumbakam, everybody is a child of Brahma. So, we are all children of Brahma, but we are always keep fighting, fighting, fighting. So, Ramayana is about fighting, Mahabharata is about fighting, but it is not a fight between heroes, villains and victims. It is a fight, yes, but there are no heroes, villains and victims, these are fights between humans. And the fight is happening and therefore what, therefore you have to understand what is the big, if there is a moral structure that they are talking about, what are they talking about? सेम जंगल में मत्स्य न्याय होता है इन द फॉरेस्ट द स्ट्रॉग फीड ऑन द वीक दैट इज जंगल लॉ यू कांट स्टॉप इट मत्स्य न्याय सो यूल फाइंड दिस द शतपथ ब्राह्मण फ्रॉम द ओलस्ट टेक्स द वन थिंग इज एवरी थिंग दैट द स्मॉल फिश बिग फिश स्मॉल फिश बिग फिश स्मॉल फिश बिग फिश स्मॉल फिश बिग फिश ह्यूम आर द ओनली क्रीचर वी कैन रिवर्स दिस इन ह्यूमन सोसाइटी वी आर दी ओनली क्रीचर्स हु कैन हेल्प द वीक स्ट्रोंग कैन टेक केयर ऑफ द वीक सो प्रकृति में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल सकती है संस्कृति में बड़ी मछली छोटी मछली का देखभाल कर सकती है दैट्स अ थियोरेटिकल प्रिंसिपल दिस इज दैट इज वाई विष्णु फर्स्ट अवतार इज अश मत्स्य अवतार एंड स्टार्ट विदॉलिंग ऑफ सिविला प्रॉब्लम ऑफ दिस इज इट रिक्वायर रिसोर्सिस हाउ डि शो इट छोटी मछली को एक पॉट में डालता है अभी उसको और चाहिए वो धीरे बड़ा होता है तो और एक पॉट चाहिए फिर और एक पॉट चाहिए वॉट आर दोइंग दिस सेफ नीड रिसोर्सिस मोर पॉट्स मोर पॉट्स बेसिकली यू नीड मोर एंड मोर रिसोर्सिस टू प्रोटेक्ट हिम रिसोर्स कहां से आ रहा है और बड़ा हो गया तो अभी उस अभी वो बड़ी मछली हो गई तो उसको भूख लगता है तब क्या खाना दोगे छोटी मछली ना बट वो तुम्हारी मछली है मेरी मछली को भूख लगेगी तो क्या प्रॉब्लम है मछली को भूख लगेगी प्रॉब्लम है लेकिन मेरी मछली मेरा शब्द आ गया ये मेरा है तो उसको खाने दो दिस सो दिस बिकम्स वसुदेव कुटुंबकम तो हाउ डू यू डिसाइड मेरा कौन एंड बाय क्रिएटिंग विभाजन नाउ यू लुक एट ऑल द पॉलिटिकल स्पीचेस इट बिगिंस बाय सेइंग मेरा तेरा इट इज द दिट जो तेरा है वो मेरा है इट इज इट ये मेरा है ये तुम्हारा नहीं है एंड देन स्टार्ट्स ये मेरा ये तुम्हारा ये मेरा ये तुम्हारा ये मेरा ये तुम्हारा एंड दिस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट इन द इंडियन स्क्रिप्चर्स मैं और मेरा तू और तेरा एंड द एंगेजमेंट हाउ मच मेरा इज अलाउड एंड हाउ मच तेरा इज अलाउड थिंकिंग मेरा मेरा तो भूख तो कभी मिटेगी नहीं देन वी है प्रॉब्लम आई विल स्टार्ट फीडिंग इतनी भूख है ना कि तुम्हारा भी खाना मैं खा जाऊंगा मेरा इतना भूख है ना कि जो तुम्हारे पास है मुझे चाहिए सो द बाउंड्रीज आई डोंट रिस्पेक्ट सो सीता तुम्हारी पत्नी होगी लेकिन मुझे बहुत पसंद है आई लव आई आई वॉज शॉक वास् फेमिनिस्ट I you know, very famous lady and she wrote to me and she was talking I said Devdat, I think Ravan is a really nice guy. I said, Yes, yes, yes. What's wrong in denying a woman consent? And then she got very nervous because I had used this powerful word called consent. I said, Kisi ki, forget about anybody's wife. You have locked her up in the room against her wish. wish. That is the problem. The problem is not that she is Mrs. Ram. <laughs> the problem is Usko Neraisat. ई कैंट यू एक्सेप्टो बट ही लवेरी मच अरे उसको आज खबर बट इंडियन थिंग स्टॉकिंग इज लव नो दैट इज द बॉलीवुड वर्शन ऑफ लव यू टू स्टॉक देम वन साइडेडनेस ऑफ द नैरेटिव मुझे भूख है और तुम भोग हो बट तुम्हारा भूख

इज बॉद अबाउट अगर उनको मारूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपने भाई को मारा ही इज वरीड अबाउट हिज रेप्यूटेशन ही इज नॉट वरीड अबाउट उसने प्रॉपर्टी हड़प ली है और अगर प्रॉपर्टी हड हम लोग खाएंगे क्या दैट इज द कॉन्वर्सेशन विच इज हैपनिंग एंड कृष्णा इज वॉचिंग इज ऑलवेज स्माइलिंग एट बींग कंटिन्यूअसली मिसअंडरस्टूड कि भैया धर्म स्थापना नॉट न्याय न्याय एंड धर्म स्थापना आर वेरी डिफरेंट न्याय इज रूल्स यू हैव डन अनजस्टिस टू मी दैट इज विक्टिम दैट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड दिस वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड इज हुआ हु इज फीडिंग हुम खाना कौन परोस रहा है Is Kauravas feeding the Pandavas? Pandavas feeding the Kauravas? Nobody is feeding anybody, and they are not even willing to compromise. Which is what Krishna is doing, and facing the consequences of it. His own family is going to get destroyed, and even there, the battle is the same. No, they are still fighting about Pandavas and Kauravas, nobody is looking at the other or the conflict of ram who do you feed ayodhya or sita who are you willing to kill which deer and who is the lion because you are not going to win you're never going to win Remember, it's not about Nyaya. The moment you wear the Nyaya hat, the story is very different. The moment you wear the Dharma hat, the story is very different. The story in Dharma is only about who's hunger, who is satisfying. And you know, the simplest example, I'll show you a Jain story to understand because Hindu stories are fairly popular. But Jain stories, you go to Karnataka. In Karnataka, you have to see some of the temples built by the Jains. And they're called Chaturmukha Basadis.

ऊपर जाते हो तो बहुत अलग दिखता है द हायर यू गो योर विजन गेट्स डिफरेंट एंड डिफरेंट एंड डिफरेंट सो वॉट इज द करेक्ट विजन हु इज द हीरोज द विन बिकॉज एज यू गो अपार्ट सींग कंसाज बैक स्टोरी एंड फील सैड फॉर हिम यू ऑल्सो नो दिल्ड बेबीज एंड यू आर एंग्री विथ हिम विच इज एक्सैक्टली वॉट वी फील ऑफ ऑल आर रिलेलेटिव राइट

खट्टा होता है कोई मीठा होता है बट इट इज नॉट हीरोल डिफरेंट नैरेटिव एंड योर हीरो इज द वन हु पिक्चर ऑल द टाइम सो इट्स अ वर्टिकल नैरेटिव इट्स मूविंग अपवर्ड एंड दिस स्ट्रक्चरिंग इज वेरी डिफरेंट बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग एट एवरी शब्द है दर्शन दर्शन करो लुक 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 नॉट लुक एट हुइट एंड हु

ज दीज आर पौराणिक स्टोरीज यू कैन सी पास्ट लाइफ फ्यूचर लाइफ दिस लाइफ दैट लाइफ सब पता चलता है आपको देयरफॉर द स्टोरी बिकम्स वेरी डिफरेंट सो आईड लाइक टू कंक्लूड विद माय फेवरेट स्टोरीज दिस मॉडल वंस अ टाइम द ग्रेट कुरुक्षेत्र पांडवाज डिफीटेड द कौरवाज और अर्जुन और भीम के बीच में लड़ाई हो जाती है कि सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर कौन है और अर्जुन कहता है मैं धनुर्धर अर्जुन मैंने भीष्म को मारा मैंने कर्ण को मारा आई एम द ग्रेटेस्ट एंड सेज मैं गदाधर भीम मैंने तो सब कौरवों को मारा सौ के सौ को मारा तो आई एम ग्रेटर एंड दिस हाउ डू फाइंड आउट कृष्ण आई कॉन्टे आई डोंट नो आई वाज बिजी विद अर्जुन ऑन इस चैरियट आई कुंट सी मैं नीचे था मुझे आई डेंट गेट अ फुल व्यू पहाड़ के ऊपर एक सर है उसे जाके पूछो

विष्णु जी की सुदर्शन चक्र उनका सर काट रहा है और भूदेवी उनकी उनका रक्त पी रही है दैट्स ऑल आई आई एम एम सीइंग सीइंग जस्ट बीइंग मोन ऑफ अ लॉन सो व्हाट राजा यू टॉकिंग अबाउट आई डोंट सी यू तुम दिखाई नहीं देते हो यू आर स्टेटिस्टिक्स यू आर नथिंग मोर देन स्टेटिस्टिक्स एंड नाउ यू सी कहां से कहां किसके दृष्टिकोण से the story is very different there is no hero and villain at that level so now you think of the chaturmukha basadi what are they trying to explain that when you come here it does you don't matter if you don't matter how can you be a hero villain or victim then who are you how do you give your story meaning who is ram who is krishna who is kansa who is duryodhan who is karna do they have to because anyway they don't matter

Because you're seeing violence, we don't see bechara, we don't see a hungry woman desperate for her children catching hold of the last buffalo she has. And a male buffalo, it won't produce babies, so useless. In agricultural communities, the male doesn't matter. Of course, we can give it metaphorical, meaning that he has destroyed the last patriarch in the family and all that kind of thing, but that's different. <laughs> बट लेट इज लुक फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू भूख लगी थी खा लिया ओ माई गॉड बट देन सी वायलेंस धर्म संकट जहां भूख है वहां भोग चाहिए जहां भोग चाहिए वहां बली चाहिए जहां बली चाहिए वहां पे हिंसा होगा जहां हिंसा होगा वहां कर्म होगा कर्म का ऋण होगा ऋण चुकाने के लिए संसार होगा फिर मुक्ति कैसे पाओगे एंड नाउ सी द रामायण इन दिस थ्रेड कई कई के भूख से शुरू होती रामायण बट वो जस्टिफाई करेगी But उसका भूख है ना शी वॉन्ट अंग इज दट अंग थिंग बट इट कम्स एट अ प्राइस किसी का तो बली चढ़ेगा एंड शी इज विलिंग भरत से नहीं 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 ये बलि मुझसे नहीं चलेगा मुझे नहीं चाहिए बली एंड राम से लेकिन बली तो चढ़ गया सॉरी डू फोर्टीन इटर नाउ लिव विद गिल्ट कि भैंस को मार दिया वो वापस नहीं आएगा चौदह साल बाद जो राम आएंगे वो बहुत अलग राम होंगे टैन टू से द लीस्ट बट वी डोंट शो दैट ऑन टेलीविजन वी कांट सी दैट दिस इज दाई स्टोरी टेलिंग इज लूजिंग इट्स पावर बिकॉज वी डोंट to टू हियर वी to टू people पीपल वेरी ओ wing, evil, ट्रोल डिस्ट्रॉय हिम easy to dehumanize, exactly as Maoist dehumanize, terrorist dehumanize, we are finding vocabulary to deal with Bali, Hinsa, and it is psychological being vegetarian doesn't make you a Hinsa. <laughs> I will beat my wife up, but I eat only vegetarian <laughs> and you're like, okay, we need to have a talk. And it happens when I'm saying this in a very joking way, we know this happens, right? We have coded what is ahimsa. And that's the different way of telling a story. So not hero villain and victim. But kis choti machli machli Next time you go to a traditional Indian temple, see the head on top of the tree on top of the temple or in behind the gods you will see this face looking at you with, with uh, teeth and with tongue sticking out and eyes sticking out and remember he is telling you you are neither a villain nor a victim nor a hero you are what other people decide you are thank you

चिल्ड्रन ना हंगरी, तो उनके लिए भोग देना पड़ेगा तो उनके लिए तो अगर दुर्गा बलि चढ़ा रही है किसके लिए अपने भूख मिटाने के लिए बच्चों के विजन इज दिजुअलाइजेशन इज दैट इट्स इमेज वे शोइंग द वुमन टेकिंग केयर ऑफ दर फैमिली डूइंग दिसल एंड डीड टू फीड हर चिल्ड्रन दट द कॉन्वर्सेशन सो मुक्ति इज ऑलवेज देशन इज होंगेज विथ सोसाइटी भूख से शुरुआत होती है जहां जीवन है वहां भूख है जहां भूख है वहां दर्द है तो संसार त्याग दे तो भूख तो नहीं मिटेगी ना दूसरों की उसका बोझ कौन उठाएगा

ज वन विजन ओवर दु दुनिया छोड़ना चाहता है तो मुक्ति की बात ही करेगा ना ही ग्लैमराइज इट कहानी दैट इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग रीड बुद्ध चरित्र इन बुद्ध चरित्र अश्वघोषा विल गो ऑन टेलिंग हाउ ग्रेट इट इज टू गिव फैमिली लाइफ सो वाई कर्म टू सर्च मुक्ति वी हैव टू नो यू डिसाइड

अगर हिरण को बचाओगे तो शेर के बच्चे मरेंगे उनका श्राप शेर को बचाओगे तो हिरण के बच्चे का श्राप दोनों में से श्राप तो आप बोलोगे मुक्ति चाहिए मुझे आई डोंट वांट दिस कैन यू वाइप आउट दी स्पीशीज कंप्लीटली सो द कॉन्सिक्वेंसेस इज अ डिफिकल्ट पार्ट सो द स्टोरीज आर बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस दैट्स व्हाई रामायण महाभारत व्हेन यू सी देम हीरो विलन एंड विक्टिम यू डोंट गेट इट वो छूता नहीं है आपको

वो नहीं करना भी पाप तो पुण्य क्या <laughs> टेंशन वही है तो गुरुजी के पास जाएंगे और गुरुजी जी मेरी से दान पेटी में पैसे डालो पुण्य मिलेगा <laughs> <laughs> yes. um, yeah. Just wanted to जस्ट a टू आस्क गुड थैंक्स फॉर द गुड स्पीच यू gave Uh, would it not be infinitely more simple if for example uh, a terrorist who goes and kills 50 people or 150 people in mumbai is simply uh, labeled as a bad person and a martyr who lays down the line um, his life in the line of duty is uh, fettered as a good person would it not because one person is doing it for the larger good of the society therefore he is a good person other person is doing for selfish interest maybe he'll get a hoor in jannat and uh, he's a bad person as simple as that what is wrong with this narrative because it is a narrative <laughs> please be aware that it if you see the question is uh, it's a great narrative to have if you don't want to think if you don't want to think it's a great narrative like the writers who come into the room and don't want to think because the audience wants only this story, they don't know. Yeah. But if you start shifting this, st Can I that was a particularly difficult story. But the thing is, now tell me the story. You start writing a story of a man. Why would a man spend all his life? Believing, looking at your structure in a thing which has not been proven and destroying his life and killing thousands of people. Now tell the story of see the tragedy of a story of a young man who has been conditioned to believe in a story that you know is not true, but he believes in it so much that he is willing to kill thousands of people for the benefit of someone else. ट्रेजडी ऑफ द स्टोरी उसको समझ नहीं है हिंदी में उसको शब्द है सी से शुरू होता है लेकिन बोल नहीं सकते उसको ही डजेंट नो की वो प्यादा है ही इज जस्ट पोर्न इन अग अ गेम नाउ सी द स्टोरी डिफरेंटली ही सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाव हाउ विल यू टॉक टू हिम विल यू सी अ बॉय कंस हु किल्ड देव की सन और विल्यू सी कंस हुटेड बाई हिज मद हाउ विल कृष्णा लुक एट हिम कृष्णा किस इन दी एंड बट कृष्णा का दृष्टिकोण और भीम के दृष्टिकोण में सेम होगा क्या जब भीम कौरवों को मार रहा है और कृष्ण कंस को मार रहे हैं दोनों का दर्शन एक ही है क्योंकि कृष्ण की हम पूजा करते हैं भीम की नहीं एंड दिस इज वॉट द स्टोरी टेलिंग इज क्रिएटिंग इट इज एट लेवल आर यू टेलिंग द स्टोरी दोनों एंड दैट इज द कॉम्प्लेक्स आर यू विलिंग टू से सिंपल इट्स सिंपल यू कैप यूजिंग द वर्ड सिंपल 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 एंड महाभारत कीप की धर्म इज सूक्ष्म दिस इज द मीनिंग ऑफ सूक्ष्म कंस का वध करते समय कृष्ण और का वर्थ कंसिल में भीम लुक एट द बोथ इवेंट्स बोथ आरपनिंग इन फ्रंट ऑफ यूर वेरी डिफरेंट इवेंट एंड दैट इज बॉट्राइंग टू कम्युनिकेट इन बोथ कर्म इन बोथिक्वेंस एंड दिस वॉट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कृष्ण कंस मथुरा इज डिस्ट्रॉयड फॉर एवर द होल सिटी ऑफ नो बडी टेल्स यू दैट विजय उसके बाद रुक्मिणी हरण

कृष्ण के दृष्टिकोण से जरासंध कृष्ण कृष्ण दृष्टिकोण से दुर्योधन ऑल थ्री आर विलन इन आ स्टोरी बट यू हैव टू सी इट फ्रॉम डिफरेंट व्यूज अर्जुन उसको कैसे देखता है गांधारी कैसे देखती है कृष्ण कैसे देखते हैं चतुर्मुख तीर्थंकर कैसे देखेंगे और हम कैसे देखते हैं दिस इज देन यू डिसाइड कौन सा स्टोरी मैं चूज करता हूं कीपिंग इन माइंड कि बड़ा स्टोरी एक और है That's the. Anybody. Uh, we have to come here also, no? Bichare, yeah, Yeah, no, no, after Yeah, Devda, thank you very much for our beautiful speech. And I want to tell you, you continuously write stories. Yes. Suppose you write, you written a story two thousand and two thousand two, and continuously your thought process changes. Yes.

So, now when I read some of my old books, I'm surprised I've written those lines. Because makkhan ke andar ghee it's imminent inside it. So, no, never, never. I have never, I have always had a, I started writing my books with the full awareness that hero, villain, victim my problem hai. Except in my first three books where it's, the words are not used so strongly, where I was just doing more a darshan of the deities, where I am just understanding the stories and then you start realizing the question, why is Krishna taking a side? And it is continuous, repeatedly, I mean, I have now really gone depth into it from Shatapatha Brahmana, which is 2800 years old, they are continuously saying Matsya Naya, Matsya and yet nobody talks about Matsya Naya when discussing Indian philosophy. So you see it in Buddhism, you see it in Jainism, everywhere they are obsessed with, uh, uh, they will use, we use words like chaos and order. Indians, ट्रेडिशन विल नेवर यूज के ऑस एंड ऑर्डर बिकॉज ऑर्डर इज गुड एंडस इज बैड से मत्स्य न्याय धर्म मत्स्य न्याय धर्म एंड द कॉम्प्लेक्सिटी बलिंटिन्यूअसली दे रहे हो दैट इज वायर राम एंड कृष्ण आर देर लाइफ इम्परफेक्ट ह्यूमन लाइफ इज इम्परफेक्ट बिकॉज बली तो हमेशा दोगे किसी ना किसी का बलि तो दोगे ही दोगे देर इज नो एस्केप फ्रॉम बलिड दैट इज द ह्यूमन कंडीशन किसका बली कितना बली किसके लिए बली क्यों बली कब छोड़ते हो बली दैट इज द लार्ज नैरेटिव दैट इज हैपनिंग इन रामायण एंड महाभारत दैट इज वाई इन द एंड व्हेन यू नो गांधारी इज एंग्री एंड अपसेट एट नो पॉइंट इज शी ब्लेमिंग हर सेल्फ शी इज नई डिड मे बी आई कुड है Because I'm perfect, right? I'm perfect, and that becomes very powerful. No self -reflection. There is no self-reflection. There is no self-reflection of the villain, and that is it. Only comes in Sanskrit plays. When you start reading urubhangam and all that, there is a lot of introspection. But in the epics, you don't find this introspection, this thinking. I'm not saying repentance. I'm saying reflection. Repentance is a value judgment, but reflect to karo zindagi ke upar. Yes, the lady here. Yes, sir, yeah. Yeah. sir, I have a question about Sita. Uh -huh. uh, as you all know, like there is a conflict between Ram and Sita. Ram left Sita. Sita yes. lived in, uh, when they came, uh, came back to Ayodhya, he left him to the village with the, when she was pregnant. So, it's always like that, how can a, like, a godly person can do that? But still, sin, was it uh, uh, all this made Sita to commit suicide at the end? And is suicide justified at times? Where is suicide? Like she jumps into the furrow of the. So and traditionally it is told she went to her mother's house. <laughs> so but we see. Sir, so in your book Sita also. <laughs> in in what book, story suits you? Sir, so in book your in your book Sita also it is not mentioned with the what is the end. I no, it is mentioned she goes under the earth. Under the earth, yes, yes. Was her mother's house? nanihal She came from the earth, no. She's Bhumija. She's born from the earth. So, she returned to the earth. So, <laughs> so what, what does that mean? Like, it's just a metaphor. Whatever or you or? want you to mean. So now, when you say suicide, so it allows, suicide. it gives you a nice political hook. No, no, sir. I really want to know whether suicide is justified at times. See, look at the word you're using, justified. I've been repeatedly saying "Naya." Dhish, mm -hmm. Naya dhish se bachke rahun. but the choice of words is justify. कयामत के दिन कोई रिपोर्ट कार्ड से पूछेगा कि ये ठीक है क्या दिस इज हाउ वी आर कंडीशन दिस इज कॉल्ड वी आर वी आर इन दिस वी कांट एस्केप इट वी कांट एस्केप इट बट टू बी अवेयर ऑफ इट इज हाउ स्टोरी टेलिंग बिकम्स पावरफुल वेन यू स्टार्ट सींग द हीरो इज अन बींग एंड द विन इज अन बींग एंड ऑल ह्यूमन बींग्स वी मेक मिस्टेक्स And that is why in Buddhism the word karuna is given so much importance. they never talk about this karuna ki. Thik hai. I'm going to kill you, but you're not a bad person. <laughs> no, because see remember the Hindu gods are killing, right? Kansa is being killed. Now if you say how do like I'll tell you how the storytellers will say, hum log Krishna ka justify sir? <laughs> because the audience wants it. Ki, nah, nah. Now you have justified it, it is okay to kill him. It is never okay to kill but you killing happens that Buffalo is going to die <laughs> and who is the Buffalo you decide but that is that is why kingship when you read uh, some of the writings on Ramayana and then you read the essays which are written in the 14th century 15th century Ram is it's traumatic he's crying Bharat you are going to wear the crown. It's not, see, it's not like, मैं राजा बन गया राजा बन गया इट इज तू राजा बन गया इट इज सच अब रामायण सो यू टॉक टू हर शील टेल यू वेन यू स्टार्ट रीडिंग रामायण यू सी राम पेन की मै आई टेक ऑफ इट डोंट वरी आई टेक ऑफ इट बट हीज वेरी सैड दट भरत को राजा बन गया मतलब ये सब रे राज्य के लिए तू दो को मारेगा टू फीड योर फैमिलीबल फॉर यीपल इवन इफ दीपलेंट बट डे बिकॉज खाना इतना ही है तो मारेगा उसको वो भूखा है कि सर सर मेरे को खाना चाहिए माई राज्य नीड्स टेन बोरी राइस आई है भूखा आदमी आएगा सर गेट लॉस्ट विच इज वॉट वी डू राइट You have the beggars outside your car, and they're asking for food, and you are... Unke story likho, you are worse than cancer. <laughs> so, story from the point, it's very nice when people say, oh my God, David, don't you feel? I said, no, this is the Bali. This is how life happens. We have our air-conditioned cars, and I'm not going to feel ashamed about it. But then somebody will come and say, no, because he's judging. He's not understanding that these are calls you have taken. The question is how much call is an okay call, kidhar tak and that becomes always a conflict point that will never end in your whole life you will always have, kab apna aur paraya ka boundary. So that is why when Krishna is taking the Vishwaroop he saying for me I do not have that option sab mere hai. If everybody is mine then how do I decide the tiger will live or the deer will live. ंग हैज द ऑप्शन ये मेरा राज्य है तो मेरे लोग आई हैव आई कैन डिसाइड कि तू पराया है बट भगवान के लिए अर्जुन भैया मेरा देर इज नो मेरा तेरा फॉर मी आई डोंट हैव दैट ऑप्शन वन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स इज डेफिनेटली गोइंग टू डाय आई हैव डिसाइड ऑन वॉट बेसिस डू आई जस्टिफाइड बिकॉज कंस इज देअर हू इज अ चाइल्ड ऑफ रेप एंड हीज अ बेबी किलर अभी बोलो कौन सा चैप्टर को मैं फोकस करूं बिकॉज दोनों चैप्टर उसकी कहानी है बिकॉज हिल से आई एम विक्टी लवी आई वॉज सो सैड दिल जस्टिफाइंग एंड देवक माई चिल्ड्रन वट इट दे डू विन सो हीरो राजा बन गया He married and became so. You can tell the story in this complex way, and therefore, when you read some of the authors, you keep seeing this obsession with justifying. We want heroes. We want heroes, and that's the Indian traditions will never give us heroes, and therefore they'll give you divinity. That to accept, yeah, Bali, that buffalo being killed is that idea. That Durga killing the buffalo captures it in a very powerful way. Yes. What, what is the meaning of in That is a different topic. Yeah? Just focus on questions with this thing because that is a topic by itself. But I will tell you what, let me just answer this question and then we will conclude because the five questions are done, right? Me. No. <laughs> ha, si. ha. So, uh, uh, the question of Swarga will, this question, so this will sort of in a way sort of like close the whole thing. So, the word Swarga is used in the Vedas. बट द मीनिंग चेंजेस ओवर टाइम सो देर इज सो दे हंगरी मैन सो लेट्स लुक एट अंगरी मैन इफ ऑल योर हंगर इज सेटिस्फाइड दैट प्लेस इज स्वर्ग जहां पर तुम्हारा भूख मिटता है दूसरों का भूख नहीं मिटता सिर्फ तुम्हारा सो स्वर्ग इज ऑलवेज अंडर अटैक विद असुर भूख नहीं मिट्टी है ना स्वर्ग इज ऑलवेज इन क्राइसिस कैलाश का मतलब है जहां पे आपकी भूख इज डिस्ट्रॉयड फॉर एवर आपको भूख ही नहीं लगेगी एंड वैकुंठ इज जहां पे आप दूसरों को खाना खिलाते हो नाउ डिसाइड विच यू प्लेस यू वॉन्ट

Because there's nothing, I don't want anything from you and you don't want anything from me. So, we are like two rocks next to each other. Perfect relationship. <laughs> but for love to happen, there has to be a desire. So, that's why love is always shown and that's why and the stories are very complex. So, there's always so Shiva coming down from Kailas, not in Kailas. He's never worshipped in Kailas. So, in the temples what you worship is not Kailasapati. You will always worship uh, Uma Shankar. गौरी शंकर विद द गॉडेस सो शी सिंग इट्स वेरी नाइस भूख मिटाओ द क्वेश्चन इज द लेडी एंड नो सूश आई कुील दो शिवाइज ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन सिंग मुक्ति एंड मिसेस saying, "Come कम बच्चे को खाना कौन खिलाएगा

गेट अ गुड स्टोरी टाइम पास होता है टी आरपी रेटिंग आता है लेकिन अंदर का जो रस यू डोंट गेट या थैंक यू वेरी मच थैंक यू